कैसा कैसा चल चल रहा है रहा है पढ़ाई? पढ़ाई? अच्छा, यस, यस, हाय हाय रितांशु। रितांशु। आज आज हम हम लोग लोग पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं हैं फ्लूइड फ्लूइड और और प्रेशर प्रेशर के के इस इस चैप्टर चैप्टर को को स्टार्ट स्टार्ट कर कर रहे रहे होंगे होंगे, जो जो कि कि क्लास क्लास नाइन नाइन और और क्लास क्लास एट एट दोनों दोनों के के ही ही बच्चे बच्चे देख देख सकते सकते हैं, हैं, मतलब मतलब अप अप टू टू नाइन्थ नाइन्थ तक तक के के बच्चों बच्चों के के लिए लिए है। है। तो तो आज आज का का यह यह सेशन सेशन स्टार्ट स्टार्ट करेंगे, करेंगे, जब जब तक तक आप आप लोग लोग जरा जरा शेयर शेयर कर कर दीजिएगा दीजिएगा हर हर जगह, जगह, ताकि ताकि जो जो भी भी आपके आपके दोस्त दोस्त छूट छूट चुके चुके छूट छूट गए गए हैं हैं पीछे, पीछे, वो वो लोग लोग भी भी आ आ जाए जाए सेशन सेशन में में और और इस इस सेशन सेशन का का लुत्फ लुत्फ उठाएं। उठाएं। तो तो जल्दी जल्दी से से आप आप लोग लोग भी भी शेयर शेयर कर कर दीजिएगा। दीजिएगा। सेशन सेशन थोड़ा थोड़ा लेट लेट हो हो जाने जाने के के कारण कारण बहुत बहुत सारे सारे बच्चे बच्चे आ आ नहीं नहीं पाए पाए हैं। हैं। थैंक थैंक यू यू प्रेम। प्रेम। आप आप लोग लोग बता बता दो दो एक एक बार बार जल्दी जल्दी से से आप आप लोग लोग कैसे कैसे हो, हो? एक एक बार बार बता बता दो दो जल्दी जल्दी से। से। या या थैंक थैंक यू। यू। और जल्दी जल्दी से से सारे सारे दोस्तों दोस्तों को को बुला बुला लो। लो। चलिए चलिए सेशन सेशन को को स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। यह यह हमारा हमारा सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ये ये सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है है हमारा। हमारा। इस इस कॉलेज कॉलेज में में करंटली करंटली मैं मैं एजुकेशन एजुकेशन ले ले रहा रहा हूँ, हूँ, यहाँ यहाँ से से बीटेक बीटेक कर कर रहा रहा हूँ हूँ और और मुझे मुझे 4 साल4 साल का का टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है है फॉर फॉर जेईई जेईई नीट नीट एंड एंड फाउंडेशन फाउंडेशन एंड एंड सक्सेसफुली सक्सेसफुली मैनी मैनी नंबर नंबर ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को को मैंने मैंने एनटीएससी एनटीएससी जेईई जेईई फाउंडेशन फाउंडेशन के के लिए लिए पढ़ा पढ़ा रखा रखा है, है, जैसा जैसा कि कि आप आप लोग लोग जान जान रहे रहे होंगे, होंगे, होंगे। जो भी जो भी बिहार ग्रुप बिहार के ग्रुप के बच्चे बच्चे हैं हैं वो वो तो तो जान जान ही ही रहे रहे होंगे। होंगे। और और यह यह आपका आपका टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल, चैनल, ऑफिशियल ऑफिशियल टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल। चैनल। और और इस इस टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल पर पर आप आप लोग लोग जुड़ जुड़ सकते सकते हैं हैं जो जो भी भी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को को पाने पाने के के लिए, लिए, जिसका जिसका लिंक लिंक हम हम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में अपडेट अपडेट कर कर देंगे। देंगे। अभी अभी तो तो ये ये लिंक लिंक होगा होगा नहीं, नहीं, नया 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 टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल है, है, तो तो इसका इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में हम हम लिंक लिंक जल्दी जल्दी ही ही प्रोवाइड प्रोवाइड कर कर देंगे। देंगे। यही यही है है ऑफिशियल ऑफिशियल टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल, चैनल, ठीक ठीक है? है? तो तो आज आज हम हम लोग लोग जो जो चैप्टर चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट करने करने वाले वाले हैं हैं वो वो आपका आपका थ्रस्ट थ्रस्ट एंड एंड प्रेशर प्रेशर है। है। कौन कौन सा सा चैप्टर चैप्टर है है आपका आपका थ्रस्ट थ्रस्ट एंड एंड प्रेशर, प्रेशर, ठीक ठीक है? है? तो तो इस इस थ्रस्ट थ्रस्ट एंड एंड प्रेशर प्रेशर को को पढ़ने पढ़ने से से पढ़ने पढ़ने के के लिए लिए हम हम लोग लोग स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। करेंगे। इसमें इसमें सबसे सबसे पहला पहला जो जो टॉपिक टॉपिक है है आपका, आपका, ये ये जो जो आपका आपका चैप्टर चैप्टर है है ये ये पूरा पूरा फ्लूड फ्लूड का का है, है, ठीक ठीक है? है? फ्लूड, फ्लूड, थ्रस्ट थ्रस्ट एंड एंड प्रेशर। प्रेशर। लेकिन लेकिन आज आज जो जो हम हम लोग लोग पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं वो वो आपका आपका क्या 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 है, है, थ्रस्ट थ्रस्ट और और प्रेशर। प्रेशर। और और इसके इसके कुछ कुछ सवाल सवाल भी भी हम हम लोग लोग साथ 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 में में इसी इसी में में करेंगे, करेंगे, ठीक ठीक है? है? इस इस सेशन सेशन में में हम हम लोग लोग लगभग लगभग 10 इलस्ट्रेशन10 इलस्ट्रेशन को को करने करने वाले वाले हैं, हैं, और और उस उस 10 10 इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन जो जो है है वो वो आपको आपको कर कर करके करके बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। लगेगा।
आज ही आज ही के के थ्योरी थ्योरी पर पर वो वो सारा सारा कुछ कुछ बेस बेस ये ये होगा। होगा। बहुत बहुत ही ही प्यारे 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 क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। तो तो आप आप लोग लोग लास्ट लास्ट तक तक सेशन सेशन में में बने बने रहिएगा। रहिएगा। जो जो भी भी बच्चे बच्चे आ आ रहे रहे हो हो एक एक बार बार लाइक लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और अगर अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपने आपने नहीं नहीं कर कर रखा रखा है है तो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब वाला वाला भी भी बटन बटन दबा दबा दीजिएगा दीजिएगा और और लाइक लाइक तो तो जरूर जरूर कर कर दीजिएगा दीजिएगा सेशन सेशन को। को। और और जो जो भी भी बच्चे बच्चे यहाँ यहाँ पर पर हो हो कम कम से से कम कम दो 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 शेयर शेयर जरूर जरूर करिएगा करिएगा ताकि ताकि यहाँ यहाँ पर पर हमें हमें चैट चैट में में किसी किसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर एक एक बच्चे बच्चे का का सिर्फ सिर्फ चैट चैट ना ना दिखे, दिखे, बहुत बहुत सारे सारे चैट चैट आते आते रहें रहें ताकि ताकि हमको हमको भी भी अंदर अंदर से से कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मिलता मिलता है है कि कि हमारा हमारा जो 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 मैं मैं पढ़ा पढ़ा रहा रहा हूँ हूँ ये ये बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत बहुत सारे सारे बच्चों बच्चों के के पास पास ये ये जा जा रहा रहा है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो चलिए चलिए आज आज का का सबसे सबसे पहला पहला जो जो टॉपिक टॉपिक है है वो वो टॉपिक टॉपिक है है थ्रस्ट। थ्रस्ट। ठीक ठीक है, है, थ्रस्ट थ्रस्ट को को समझेंगे। समझेंगे। थ्रस्ट थ्रस्ट क्या क्या है, है, व्हाट व्हाट इज इज थ्रस्ट? थ्रस्ट? तो तो थ्रस्ट थ्रस्ट से से पहले पहले देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर आपके आपके लिए लिए हम हम कुछ कुछ फिगर्स फिगर्स ले ले रखे रखे हैं। हैं। तो तो थ्रस्ट थ्रस्ट क्या क्या है, है, इसके इसके पहले पहले देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है। है। थ्रस्ट थ्रस्ट इज इज अ अ फोर्स फोर्स एक्टिंग एक्टिंग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टू अ अ सरफेस। सरफेस। थ्रस्ट थ्रस्ट एक एक फोर्स फोर्स है है जो जो कि कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स फोर्स है है जो जो कि कि किसी किसी भी भी फोर्स फोर्स एक्ट एक्ट करता करता है है सरफेस सरफेस के के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पे पे और और इसी इसी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स फोर्स को को हम हम लोग लोग क्या क्या बोलते बोलते हैं? हैं? थ्रस्ट थ्रस्ट बोलते बोलते हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, आई आई थिंक थिंक क्लियर क्लियर होगा। होगा। थ्रस्ट थ्रस्ट कुछ कुछ नहीं नहीं है, है, बस बस एक एक टाइप टाइप ऑफ ऑफ फोर्स फोर्स है। है। ठीक ठीक है, है, ये ये क्या क्या है? है? टाइप टाइप ऑफ ऑफ फोर्स। फोर्स। और और वो वो टाइप टाइप ऑफ ऑफ फोर्स फोर्स जो जो कि कि तुम्हारा तुम्हारा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो, हो, किसके? किसके? सरफेस सरफेस के के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सरफेस सरफेस के के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। जैसे जैसे मान मान लीजिए लीजिए यहाँ यहाँ पर पर जैसे जैसे मान मान लीजिए लीजिए ये ये जो जो सरफेस सरफेस है, है, अगर अगर इस इस सरफेस सरफेस पे पे मान मान लो लो इस इस तरीके तरीके से से जो जो फोर्स फोर्स लग लग रहा रहा है है वो वो इधर इधर से से लग लग रहा रहा है, है, तो तो सरफेस सरफेस पर पर जो जो फोर्स फोर्स लग लग रहा रहा है है मान मान लो लो इस इस डायरेक्शन डायरेक्शन में में ऐसे ऐसे लग लग रहा रहा है। है। तो तो इसका इसका ये ये वाला वाला जो जो कंपोनेंट कंपोनेंट होगा होगा ये ये नहीं नहीं होगा, होगा, बल्कि बल्कि इसका इसका देखो देखो दो दो कंपोनेंट कंपोनेंट होगा। होगा। अगर अगर यहाँ यहाँ पर पर थीटा थीटा एंगल एंगल पर पर अगर अगर लग लग रहा रहा है है तो तो इधर इधर की की ओर ओर जो जो कंपोनेंट कंपोनेंट आएगा आएगा अगर अगर यहाँ यहाँ फोर्स फोर्स लग लग रहा रहा है है तो तो इधर इधर कंपोनेंट कंपोनेंट आएगा आएगा वो वो हो हो जाएगा जाएगा या या कॉस कॉस थीटा, थीटा, और और ऊपर ऊपर की की ओर ओर जो जो कंपोनेंट कंपोनेंट आएगा आएगा वो वो हो हो जाएगा जाएगा एफ एफ साइन साइन थीटा। थीटा। तो तो ये ये जो जो ये ये एफ एफ साइन साइन थीटा थीटा है है ये ये है है सरफेस सरफेस के के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लेकिन लेकिन ये ये वाला वाला जो जो ये ये एफ एफ कॉस कॉस थीटा थीटा है है ये ये एफ एफ साइन साइन थीटा थीटा तो तो सरफेस सरफेस के के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो हो गया, गया, लेकिन लेकिन ये ये एफ एफ कॉस कॉस थीटा थीटा क्या क्या हो हो गया? गया? सरफेस सरफेस के के पैरेलल पैरेलल हो हो गया। गया। तो तो सिर्फ सिर्फ ये ये एफ एफ साइन साइन थीटा थीटा ही ही होगा होगा किसके किसके बराबर? बराबर? थ्रस्ट थ्रस्ट के के बराबर। बराबर। ठीक ठीक है, है, क्या क्या थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स फोर्स समझने समझने में में किसी किसी को को कोई कोई दिक्कत दिक्कत हुआ हुआ अभी अभी तक? तक? अगर अगर दिक्कत दिक्कत हुआ हुआ तो तो जल्दी जल्दी से से आप आप लोग लोग चैट चैट में में बता बता दोगे, दोगे, और और अगर अगर क्लियर क्लियर है है तो तो भी भी बता बता दोगे दोगे यस यस सर, सर, ताकि ताकि हम हम आगे आगे बढ़ बढ़ पाए। पाए। जल्दी जल्दी से से सारे सारे बच्चे बच्चे बता बता दोगे दोगे चैट चैट में? में? साउंड साउंड रिपीट रिपीट हो हो रहा रहा है? है? जस्ट जस्ट सेकंड, सेकंड, ये ये इको इको शायद शायद हो हो रहा रहा है। है। रुक रुक जाओ, जाओ, रूम रूम को को ओपन ओपन कर कर देने देने दो। दो। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ यहाँ रूम रूम में में बहुत बहुत सारा सारा सामान सामान है है नहीं, नहीं, शिफ्ट शिफ्ट हुए हुए हैं हैं जस्ट जस्ट बिहार बिहार तरफ तरफ से, से, तो तो बस बस काम काम का का सामान सामान है, है, इसलिए इसलिए रूम रूम खाली खाली होने होने के के कारण कारण ज्यादा ज्यादा इको इको प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो हो रहा रहा है, है, बट बट कोई कोई नहीं, नहीं, ना ना स्टैंड स्टैंड माइक माइक आने आने वाला वाला है है और और वो वो आ आ जाने जाने के के बाद बाद ये ये सब सब कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा होगा नहीं। नहीं। आई आई थिंक थिंक इतना इतना तो तो होगा होगा कि कि आप आप इजिली इजिली सुन सुन सकते सकते हो हो उसको, उसको, क्योंकि क्योंकि अभी अभी पिछले पिछले तीन, तीन, आज आज जो जो फोर्थ फोर्थ क्लास क्लास है है क्लास क्लास टेन टेन के के बच्चों बच्चों का, का, पिछले पिछले 3 दिन3 दिन से से मैं मैं ऑलरेडी ऑलरेडी 10 क्लास10 क्लास के के बच्चों बच्चों का का क्लास क्लास ले ले रहा रहा हूँ। हूँ। वो वो सारे सारे बच्चे बच्चे कर कर रहे रहे थे थे क्लास, क्लास, हम हम लोग लोग को को कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं आ आ रहा रहा था। था। चलिए, चलिए, ये ये क्लियर क्लियर है है थ्रस्ट? थ्रस्ट? आप आप देखो देखो यहाँ यहाँ पर पर थ्रस्ट थ्रस्ट का का क्या क्या चीज चीज लिखा लिखा हुआ हुआ है? है? थ्रस्ट थ्रस्ट इज इज अ अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। यस, यस, थ्रस्ट थ्रस्ट क्या क्या है? है? एक एक फोर्स फोर्स है है और और थ्रस्ट थ्रस्ट क्या क्या है? है? एक
फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो थ्रस्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसके बाद दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो यस, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होगा। क्यों होगा? क्योंकि थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स ही है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा,
न्यूटन हो जाएगा और इसको भी कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। क्लियर है? देखिए इसका नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए अगर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो हमें पता है कि इस वस्तु का जो मास m होगा उसके कारण नीचे क्या लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा। और ये जो mg फोर्स है, इस mg फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के। और हम लोग जानते हैं कि ये जो नॉर्मल है यही एक परपेंडिकुलर फोर्स है, तो यही परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब यही नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, थ्रस्ट के। That means thrust is equal to किसके, mg। क्लियर है? क्लियर है क्या ये टॉपिक? ये अभी जो हमने आपको पढ़ाया क्या क्लियर है? बताओ जल्दी से ये क्या क्लियर है? इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक लिक्विड है और लिक्विड में एक बॉल लगा हुआ है और इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा और इस मास का mg किधर लग रहा होगा, नीचे। और बदले में ये जो आपका ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड एक ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, इस कारण से बॉल ऊपर जाना चाहेगा और ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। परपेंडिकुलर फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज थ्रस्ट एंड दिस इज आल्सो अ द फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया किसका, थ्रस्ट का। बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है? जल्दी से चैट में रिप्लाई दोगे, क्लियर है क्या? साउंड रिपीट हो रहा है, ऑडिबल हो ना, मतलब काम है, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है, मुझे पता है थोड़ा सा इको हो रहा होगा, रूम थोड़ा खाली है इस कारण से। और एक्चुअली जो हमारे पास अपना माइक था वो माइक गया छूट, ठीक है, बिहार शरीफ में ही, तो यहाँ जो माइक मैंने ऑर्डर किया है कुछ 2-4-5 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत होगा नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या चीज, प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को अच्छे से समझेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी आगे के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या है, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दो इसका दो डिफिनेशन होता है, एक तो आपको इस तरीके से दे देगा कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या फिर क्या बोल देगा, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यस हेलो, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगेगा उसको प्रेशर बोलेंगे। और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग यहाँ पर थ्रस्ट लिख दिए, क्योंकि अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर, यही आपका क्या था, थ्रस्ट था। तो यही परपेंडिकुलर फोर्स जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना क्लियर होगा? अब देखो यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या चीज, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी नोट करते हैं, या परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय एरिया। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मान लो एफ फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि एट एन एंगल ऑफ थीटा पे लग रहा है, ठीक है, थीटा पे लग रहा है। तो ये यहाँ पर एक कंपोनेंट इधर की ओर ब्रेक होगा, हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा,
ठीक है। और ये जो यह sin थीटा जो लग रहा है यही है परपेंडिकुलर इस सरफेस के, तो इस पर जब हमें क्या निकाल रहा हूँ प्रेशर निकाल रहा हूँ, तो इस वाले एरिया को लेंगे और साथ में इस यह sin थीटा को लेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका यह sin थीटा और डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। तो प्रेशर समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर लेते समय हमेशा जो फोर्स लेंगे वो कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। जल्दी से रिप्लाई करो चैट में, उसके बाद इसके यूनिट पर भी बात किया जाएगा। जल्दी से चैट में रिप्लाई करो, इतना सही है क्या? गुड रोहित, और लोग रिप्लाई करो जल्दी से। चलिए गुड, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका क्या है, आगे देखिएगा, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आ गया, तो हमें पता है प्रेशर का अगर यूनिट निकालना है तो हमें ऊपर फोर्स का यूनिट लिखना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और उसके बाद इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्पेशल नाम दिए हुए हैं, एक स्पेशल नाम दिए हुए हैं, और वो है आपका पास्कल। और ये किसके नाम पर दिया गया है, तो एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। इसलिए कभी भी हम लोग पास्कल लिखेंगे तो कैपिटल पी से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको स्मॉल पी से लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल पी से लिखने पर वो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। स्मॉल पी से लिखेंगे तब जाकर के वो क्या चीज होगा, यूनिट होगा। और इसको एक लेटर में लिखना है तो सिर्फ हम लोग कैपिटल पी और ए लिखते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल पी और ए लिखते हैं, पी ए करके लिखते हैं, ठीक है। और प्रेशर जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर बच्चों, प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी चैट में रिप्लाई दे दो सारे बच्चे, ताकि आगे बढ़ पाए। ओके रॉस, रॉयज, अब अपना प्लीज रियल नेम भी बता दीजिएगा ताकि मैं पहचान पाए कौन कौन आ रहा है क्लास में। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं हम लोग, क्या लिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। और ये दो एग्जाम्पल किस बेसिस पे है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे थंब के एरिया से हम लोग यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक क्या है, नेल है, पिन है, और उस पिन पर हम लोग टोटल फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स का वैल्यू तो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी एक फोर्स, यहाँ भी एक फोर्स। बस दिक्कत कहाँ पर है कि यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया अगर A1 लिखते हैं और यहाँ का एरिया अगर A2 लिखते हैं, तो A1 जो है ये ज्यादा है किससे, A2 से, लेकिन फोर्स जो है वो बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर P1 और P2 अगर निकाले, यहाँ P1 है, ये P2 है, तो P1 P2 के बीच में कंपेयर करेंगे तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A1, और P2 की जगह क्या हो जाएगा, F अपॉन A2, ठीक है। ये फोर्स बराबर है, तो देखो प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। कहने का मतलब ये हो गया, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, उसी प्रकार से एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया कम, ठीक है, A2 जो है वो कम है A1 से, मतलब प्रेशर जो होगा P2 का वो ज्यादा हो जाएगा किससे, P1 से। क्लियर है अभिजीत, ओके।
चलिए चलिए क्लियर है क्लियर क्या है क्या इतना? इतना? बताओ बताओ बच्चों बच्चों जल्दी जल्दी से से, क्लियर क्लियर है है क्या? क्या? ओके ओके, okay. और और भी भी बच्चे बच्चे जल्दी 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 रिप्लाई रिप्लाई करो। करो। चलिए चलिए एक एक एग्जांपल एग्जाम्पल तो को हम हम लोग लोग क्लियर क्लियर किए, किए, इसी इसी प्रकार प्रकार से से और और से से भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिए लिए हुए हुए हैं, हैं, जैसे जैसे कि कि ये ये देखो। देखो। क्या क्या आपने आपने कभी कभी सोचा सोचा है है कि कि ये ये जो जो ट्रेन ट्रेन का का जो जो पटरी पटरी होता होता है, है, ये ये जो जो ट्रेन ट्रेन का का पटरी पटरी है, है, ये ये ट्रेन ट्रेन का का पटरी पटरी आखिर आखिर क्यों क्यों इस इस तरीके तरीके से से लिया लिया जाता जाता है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर आपका आपका अंदर अंदर में, में, ये ये देखिए देखिए अंदर अंदर में में स्लीपर्स स्लीपर्स को को बिछाया बिछाया जाता जाता है है और और उसके उसके ऊपर ऊपर इस इस पटरी पटरी को को हम हम लोग लोग क्या क्या करते करते हैं, हैं, इसको इसको बिछाते बिछाते हैं। हैं। तो तो अंदर अंदर में में जो जो ये ये स्लीपर्स स्लीपर्स होता होता है, है, स्लीपर्स स्लीपर्स का का काम काम क्या क्या होता होता है? है? जैसे जैसे हम हम लोग लोग जानते जानते हैं हैं कि कि जो जो ट्रेन ट्रेन आएगा, आएगा, ट्रेन ट्रेन का का जो जो मास होगा वो मास बहुत होगा ज्यादा वो मास मास बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा होने होने के के कारण कारण उसका उसका एम एमजी जी भी भी ज्यादा, ज्यादा, और और एम एम जी जी ज्यादा ज्यादा होने होने के के कारण कारण इसका इसका मतलब मतलब फोर्स फोर्स होगा होगा वो वो नीचे नीचे ज्यादा ज्यादा लगेगा। लगेगा। अब अब देखो देखो अगर अगर ये ये सिर्फ 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 ये ये वाला वाला चीज चीज रहता रहता और और सिर्फ सिर्फ ये ये वाला वाला चीज चीज रहता रहता तो तो इसके इसके कारण कारण क्या क्या होता होता कि कि इसका इसका जो जो एरिया एरिया है है वो वो बहुत बहुत कम कम है है किसके किसके कंपेयर कंपेयर में, में, इस इस पूरे पूरे स्लीपर स्लीपर के के कंपेयर कंपेयर में। में। स्लीपर स्लीपर इतना इतना बड़ा बड़ा एरिया एरिया कवर कवर करके करके रखा रखा हुआ हुआ है, है, लेकिन लेकिन इसका इसका जो जो एरिया एरिया है है वो वो सिर्फ सिर्फ इतना इतना पतला पतला सा सा एरिया एरिया है, है, ठीक ठीक है? है? तो तो इस इस कारण कारण से से जब जब इस इस पर पर फोर्स फोर्स लगता लगता तो तो ये ये क्या क्या होता? होता? सिंक सिंक कर कर जाता, जाता, मतलब मतलब धस धस जाता जाता अंदर, अंदर, ठीक ठीक है? है? मिट्टी मिट्टी में में धस धस जाता। जाता। तो तो इस इस कारण कारण से से इस इस पर पर क्या क्या किया किया जाता जाता है? है? अंदर अंदर पहले पहले स्लीपर स्लीपर को को बिछाया बिछाया जाता जाता है है और और उसके उसके ऊपर ऊपर इस इस चीज चीज को को बिछाया बिछाया जाता जाता है है ताकि ताकि यहाँ यहाँ पर पर एरिया एरिया कम कम लग लग सके। सके। तो तो देखो देखो यहाँ यहाँ पर पर देखो देखो प्रेशर प्रेशर एरिया एरिया बढ़ाए बढ़ाए तो तो क्या क्या हुआ? हुआ? प्रेशर प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज किया, किया, एरिया एरिया को को बढ़ाया बढ़ाया तो तो प्रेशर प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज किया किया और और इजिली इजिली जो जो है है वो वो ट्रेन ट्रेन अपना अपना मूव मूव कर कर पा पा रहा रहा है। है। क्लियर क्लियर है है क्या? क्या? ये ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन क्लियर क्लियर हुआ हुआ या या नहीं नहीं हुआ? हुआ? ये ये जो जो हमने हमने ट्रेन ट्रेन का का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन किया, किया, क्या क्या क्लियर क्लियर है? है? जल्दी जल्दी से से बता बता दो दो ये ये क्लियर क्लियर है है क्या? क्या? चैट चैट रुकना रुकना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, चैट चैट में में सारे सारे बच्चे बच्चे जल्दी 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 रिप्लाई रिप्लाई करो। करो। क्या क्या समझ समझ में में आ आ रहा रहा है? है? और और लोग लोग भी भी रिप्लाई रिप्लाई करो, करो, बस बस दो दो बच्चे बच्चे रिप्लाई रिप्लाई कर कर रहे रहे हैं। हैं। चलिए चलिए आगे 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 देखिए, देखिए, यहाँ यहाँ पर पर फिर फिर से से दो दो एग्जांपल्स एग्जांपल्स हमारे हमारे पास, पास, देखो देखो कितने कितने एग्जांपल्स एग्जांपल्स हम हम लोग लोग ऑलरेडी ऑलरेडी देख देख चुके चुके हैं। हैं। तो तो एक एक एग्जांपल एग्जांपल यहाँ यहाँ पर पर एग्जांपल एग्जांपल वन, वन, उसके उसके बाद बाद यहाँ यहाँ पर पर था था ये ये एग्जांपल एग्जांपल टू, टू, ठीक ठीक है? है? और और अभी अभी जो जो हम हम लोग लोग देखने देखने जा जा रहे रहे हैं हैं वो वो एग्जांपल एग्जांपल नंबर नंबर थ्री थ्री है, है, ये ये है है एग्जांपल एग्जांपल थ्री। थ्री। तो तो देखो देखो इस इस एग्जांपल एग्जांपल थ्री थ्री में में क्या क्या है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर हम हम लोग लोग इस इस हथौड़े हथौड़े से से मार मार रहे रहे हैं, हैं, यहाँ यहाँ पर पर बीसी बीसी से से हथौड़े हथौड़े से से मार मार रहे रहे हैं, हैं, यहाँ यहाँ पर पर उतना उतना ही ही फोर्स फोर्स लगा लगा रहे रहे हैं, हैं, यहाँ यहाँ पर पर भी भी उतना उतना ही ही फोर्स फोर्स लगा लगा रहे रहे हैं। हैं। यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या है है कि कि आपका आपका देखो, देखो, ये ये देखो, देखो, ये ये एरिया एरिया और और इस इस एरिया एरिया में, में, दोनों दोनों एरिया एरिया में में बहुत बहुत अंतर अंतर है। है। यहाँ यहाँ पर पर एरिया एरिया अगर अगर ए ए टू टू मानते मानते हैं हैं और और यहाँ यहाँ पर पर एरिया एरिया ए ए वन वन मानते मानते हैं हैं तो तो ए ए वन वन जो जो है है वो वो कम कम है है किससे, किससे, ए ए टू टू से, से, और और फोर्स फोर्स उस उस दोनों दोनों पर पर क्या क्या लग लग रहा रहा है? है? सेम 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 लग लग रहा रहा है। है। इसका इसका मतलब मतलब प्रेशर प्रेशर जो जो होगा होगा वो वो क्या? क्या? अभी अभी हम हम लोग लोग क्या क्या पढ़े पढ़े कि कि जिसका जिसका एरिया एरिया कम कम उस उस पर पर प्रेशर प्रेशर ज्यादा, ज्यादा, तो तो प्रेशर प्रेशर जो जो पी पी वन वन है है वो वो ज्यादा ज्यादा लगेगा लगेगा एज एज कम्पेयर कम्पेयर टू टू किसके? किसके? पी पी टू। टू। तो तो यहाँ यहाँ पर पर प्रेशर प्रेशर जो जो है है वो वो पी पी वन वन है है और और यहाँ यहाँ पर पर प्रेशर प्रेशर पी पी टू, टू, तो तो पी पी वन वन जो जो है है वो वो ज्यादा ज्यादा लगेगा लगेगा एज एज कम्पेयर कम्पेयर टू टू पी पी टू। टू। बताओ बताओ क्लियर क्लियर है है क्या? क्या? एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर नंबर थ्री थ्री क्लियर क्लियर है? है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर नंबर थ्री थ्री क्लियर क्लियर है? है? फिर फिर बात बात करेंगे करेंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर नंबर फोर फोर का। का। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर नंबर थ्री थ्री क्लियर क्लियर है? है? तो तो आप आप दोनों दोनों के के लिए लिए प्यार 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 एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेकर लेकर के के आए आए हैं? हैं? कोई कोई चैट चैट पे पे रिप्लाई रिप्लाई भी भी नहीं नहीं कर कर रहा रहा है, है, रिप्लाई रिप्लाई करो करो जल्दी जल्दी। जल्दी। समझ समझ आ आ रहा रहा है है?
यस यस गुड गुड समित। समित। नेक्स्ट है आपका आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर नंबर फोर। फोर यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या है है कि कि ये ये देखिए देखिए ये ये ब्रिक ब्रिक है, है, लेकिन लेकिन ये ये ब्रिक ब्रिक जो जो है है बहुत बहुत सारा सारा नंबर नंबर ऑफ ऑफ ब्रिक ब्रिक है। है। और और यहाँ यहाँ पर पर ब्रिक ब्रिक जो जो है है एक एक सिंगल सिंगल स्ट्राइप स्ट्राइप से, से, यहाँ यहाँ पर पर देखोगे देखोगे एरिया, एरिया, तो तो यहाँ यहाँ पर पर एरिया एरिया है है अगर अगर A1 A1 और और यहाँ यहाँ पर पर एरिया एरिया है है मान मान लो लो A2। A2। हाँ 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 इसके इसके बाद बाद भी भी क्लास क्लास होगा, होगा, क्लास लेकिन 10 क्लास के 10 के बच्चों बच्चों का का है है क्लास। क्लास। यहाँ यहाँ पर पर देखो देखो A1 A1 जो जो है है वो वो क्या क्या है, है, कम कम है है एज एज कम्पेयर कम्पेयर टू टू किसके, किसके, A2। A2। तो तो A1 A1 अगर अगर कम कम है है A2 A2 से, से, A1 A1 अगर अगर कम कम है है A2 A2 से, से, इसका इसका मतलब मतलब प्रेशर प्रेशर P1 P1 होगा होगा ज्यादा ज्यादा किसके किसके कंपेयर कंपेयर में में P2 P2 के, के, तो तो P1 P1 क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, ज्यादा ज्यादा होगा होगा किससे, किससे, P2 P2 से। से। ठीक ठीक है, है, क्लियर क्लियर है। है। A1 A1 ज्यादा ज्यादा हो हो जाएगा जाएगा P2 P2 से। से। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी इसी प्रकार प्रकार से से यहाँ यहाँ पर पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, है, ये ये देखिए देखिए ये ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेने लेने का का रीजन रीजन क्या क्या है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर देखिए देखिए हमारे हमारे पास पास तो तो दो दो फिगर्स फिगर्स मिला मिला नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी मैं मैं बता बता दूं दूं कि कि आपके आपके पास पास देखते देखते हुए हुए घर घर में में दो दो टाइप टाइप का का नाइफ नाइफ होता होता है, है, एक एक तो तो होता होता है है ब्लंट ब्लंट नाइफ, नाइफ, ठीक ठीक है, है, और और दूसरा दूसरा होता होता है है शार्प शार्प नाइफ। नाइफ। दो दो तरह तरह के के नाइफ नाइफ होने होने का का मतलब मतलब ये ये हुआ हुआ कि कि यही यही जो जो शार्प शार्प नाइफ नाइफ होता होता है है धीरे 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 ब्लंट ब्लंट हो हो जाता जाता है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो शार्प शार्प नाइफ नाइफ और और ब्लंट ब्लंट नाइफ नाइफ में में एक्चुअली एक्चुअली क्या क्या है, है, ये ये क्यों क्यों ये ये ब्लंट ब्लंट टाइप टाइप से से क्यों क्यों नहीं नहीं कटता कटता है है जल्दी जल्दी से से सब्जी सब्जी या या फिर फिर फल फल जो जो भी भी है है क्यों क्यों नहीं नहीं जल्दी जल्दी से से कटता कटता है है और और शार्प शार्प नाइफ नाइफ से से क्यों क्यों आराम आराम से से कट कट जाता जाता है। है। तो तो देखो देखो रीजन रीजन क्या क्या है है कि कि ब्लंट ब्लंट नाइफ नाइफ में में जो जो यहाँ यहाँ पर पर जो जो ये ये जो जो आपका आपका ये ये जो जो चाकू चाकू चल चल रहा रहा है, है, ये ये चाकू चाकू का का जो जो एरिया एरिया होता होता है है वो वो एरिया एरिया ज्यादा ज्यादा हो हो जाता जाता है, है, ठीक ठीक है। है। ब्लंट ब्लंट नाइफ नाइफ का का एरिया एरिया अगर अगर मान मान लेते लेते ए ए और और शार्प शार्प नाइफ नाइफ का का एरिया एरिया अगर अगर मान मान लेते लेते ए ए टू, टू, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये जो जो A1 A1 होता होता है है ये ये ज्यादा ज्यादा होता होता है है कंपेयर कंपेयर टू टू किसके, किसके, ए ए टू। टू। तो तो इस इस कारण कारण से से जो जो कि कि A1 A1 है, है, ये ये A1 A1 ज्यादा ज्यादा होने होने के के कारण कारण यहाँ यहाँ पर पर प्रेशर प्रेशर जो जो है है वो वो कम कम लग लग पाता पाता है है एज एज कंपेयर कंपेयर टू टू P2। P2। सेम सेम फोर्स फोर्स लगाने लगाने के के बाद बाद भी भी प्रेशर प्रेशर जो जो है है कम कम लग लग पाता पाता है, है, इस इस कारण कारण से से इससे इससे कटता कटता नहीं नहीं है, है, ठीक ठीक है। है। और और P2 P2 आप आप जो जो आपका आपका सेकेंड सेकेंड वाला वाला जो जो शार्प शार्प नाइफ नाइफ है है वो वो शार्प शार्प नाइफ नाइफ से से इजीली इजीली कट कट जाता जाता है है क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पर पर प्रेशर प्रेशर ज्यादा ज्यादा लग लग पाता पाता है। है। बताइए बताइए क्लियर क्लियर है है क्या, क्या, क्लियर क्लियर है है बच्चों? बच्चों? एक एक बार बार जल्दी जल्दी से से बताओ बताओ तो तो क्लियर क्लियर है है क्या? क्या? गुड 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 समीर, समीर, गुड गुड रोहित। रोहित। चलो चलो आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। अब अब आगे आगे देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर एक एक इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन है है और और इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर नंबर वन वन क्या क्या है, है, ए ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वुडन वुडन स्लैब स्लैब स्लैब, स्लैब, ये ये पूरे पूरे अपने अपने सेशन सेशन का का पहला पहला इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन है, है, सेशन सेशन का का इस इस चैप्टर चैप्टर का, का, ठीक ठीक है, है, ये ये पहला पहला है, है, तो तो इसको इसको अभी अभी हम हम लोग लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। ए ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर वुडन वुडन स्लैब स्लैब ऑफ ऑफ मास मास 5 kg, kg, एक एक वुडन वुडन मतलब मतलब लकड़ी लकड़ी का का स्लैब स्लैब है है जिसका जिसका वेट वेट कितना कितना है है 5 kg, 5 kg, ठीक ठीक है, है, मास मास कितना कितना है है 5 kg। 5 kg, एक एक केप केप ऑन ऑन द द टेबल टेबल टॉप टॉप ऑफ ऑफ द द एज एज 2 मीटर,2 मीटर, ठीक ठीक है। है। ये ये कहाँ कहाँ रखा रखा हुआ हुआ है, है, टेबल टेबल के के टॉप टॉप पे पे रखा रखा हुआ हुआ है है जिसका जिसका एज एज जो जो है है ईच ईच एज एज कितना कितना है, है, 2 मीटर दो मीटर का का है, है, ठीक ठीक है। है। प्रत्येक प्रत्येक एज एज जो जो है है वो वो कितने कितने का का है, है, 2 मीटर दो मीटर का का है। है। एंड एंड स्लैब स्लैब कवर्स कवर्स द द टेबल टेबल कम्प्लीटली, कम्प्लीटली, और और जो जो स्लैब स्लैब है है उस उस टेबल टेबल को को कम्प्लीटली कम्प्लीटली कवर कवर करता करता है, है, ठीक ठीक है। है। मतलब मतलब इसको इसको पूरा पूरा इस इस तरीके तरीके से से ऐसे ऐसे क्या क्या कर कर देता देता है, है, कवर कवर कर कर लेता लेता है। है। और और उसके उसके बाद बाद क्या क्या है, है, द द थ्रस्ट थ्रस्ट ऑफ ऑफ द द ब्लॉक ब्लॉक ऑन ऑन द द टेबल टेबल टॉप, टॉप, ठीक ठीक है। है। तो तो सबसे सबसे पहला पहला आपको आपको क्या क्या निकालना निकालना है, है, थ्रस्ट थ्रस्ट निकालना निकालना है है अभी अभी हम हम लोग लोग पीछे पीछे पड़े पड़े हैं हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट, और और साथ साथ ही ही साथ साथ दूसरा दूसरा क्या क्या निकालना निकालना है, है, आपको आपको प्रेशर प्रेशर निकालना निकालना है। है। तो तो दोनों दोनों चीज चीज अभी अभी हम हम लोग लोग पढ़ पढ़ चुके चुके हैं हैं और और दोनों दोनों चीज चीज को को हम हम लोग लोग यहाँ यहाँ पर पर फाइंड फाइंड आउट आउट करेंगे। करेंगे। तो तो सबसे सबसे पहला पहला हम हम ये ये अभी अभी जस्ट जस्ट पढ़े पढ़े थे, थे, देखो देखो
यहाँ पर जो मास है, मास जो रखा हुआ है वो मास कितने का रखा हुआ है, 5 केजी का मास रखा हुआ है, तो एक्चुअली नीचे जो एमजी लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 5 इनटू जी, तो यहाँ पर से थ्रस्ट का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, थ्रस्ट इज इक्वल टू 5 इनटू 10, ठीक है, तो 50 न्यूटन, मतलब कि ये 50 न्यूटन 5 एमजी, ये एमजी के बराबर हो गया, 5 जी के बराबर, क्लियर है, पहला का आंसर क्लियर हो गया। दूसरा बी क्या है आपका, द प्रेशर ऑफ द ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, तो द प्रेशर बराबर क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो देखो थ्रस्ट कितना है, थ्रस्ट का वैल्यू अभी आया 50 और एरिया कितना था, ये देखो 2 मीटर का एरिया इधर है और 2 मीटर का एरिया इधर है, सॉरी 2 मीटर इधर लेंथ है और 2 मीटर इधर लेंथ है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 50 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, तो 12.5 PA, बताओ क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से चैट में बताना क्लियर है क्या, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसी सेम क्लास का, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ कितना, 150 मीटर स्क्वायर होता, ठीक है, देन फाइंड द प्रेशर इन पास्कल, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 15 और डिवाइड बाय एरिया कितना है 150 मीटर स्क्वायर, यहां से देखो 15 अपॉन 150, ये यहां पर न्यूटन, तो 15 टेंजर, यहां से देखो 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 0.1 पास्कल, क्लियर है, इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और जल्दी ही जैसे चैप्टर खत्म होगा तो ये हर एक जो आपका सेशन है उस सेशन के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, सो डोंट वरी, और बाकी आपको नोट डाउन वगैरह करना है तो आप साथ भी कर सकते हो, या फिर वीडियो को फिर वापस से आप चला करके भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल होगा, ओके ये भी क्लियर होगा, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड बता दो जल्दी से, क्लियर है क्या, ओके बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेशर, क्या क्या चीज है जो कि प्रेशर का हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो ये सब आपका एनसीईआरटी टॉपिक से उठाया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए सबसे पहला क्या है, मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट लीडिंग टू लेस प्रेशर,
जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। अभी थोड़ा पहले भी डिस्क्राइब किए थे, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, स्लीपर्स आर लेड डाउन अंडर द रेल्स ऑफ ट्रेन टू प्रोवाइड मोर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड लेस प्रेशर टू प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ द रेल्स इनटू अर्थ। ये ऐसा हमने ऑलरेडी आपको पीछे बता भी रखा है कि यहाँ पर जो आपका रेल का पटरी जो होता है, उस पटरी के नीचे हम लोग स्लीपर्स को बिछाते हैं, इसलिए बिछाते हैं ताकि वो एरिया क्या हो सके बढ़ सके, और एरिया बढ़ने के कारण प्रेशर वहां कम लगे, और प्रेशर कम होने के कारण वहां पर जो रेल हो वो सिंक न कर जाए किसमें, इनटू द अर्थ। क्लियर है पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया, पूरा डिटेल में बता दिया गया, आपको समझा दिया गया, पीछे से फिगर के थ्रू समझा दिया गया था। यहाँ पर ये देखो ये इस टाइप का, देखिए नीचे देखिए ये स्लीपर बिछा हुआ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ए स्लीपिंग मैट्रिक्स इज सो डिजाइंड दैट व्हेन यू लाई ऑन इट योर बॉडी कम्स इन इट्स कॉन्टेक्ट विद लार्ज एरिया, दिस रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द बॉडी एंड स्लीपिंग बिकम्स कंफर्टेबल। ठीक है, स्लीपिंग जो ये स्लीपिंग मैट्रिक्स होता है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप जब उस पर क्या स्लीप करो मतलब सो जाओ, तो वहां पर जो आपके और सरफेस के बीच में कांटेक्ट का जो एरिया है वो एरिया ज्यादा हो, और उस एरिया के कारण प्रेशर जो हो वो कम लगे, स्लीपिंग बिकम्स कंफर्टेबल, जो स्लीपिंग हो वो क्या हो जाए कंफर्टेबल हो जाए। क्लियर है, ठीक है, बोलिएगा थर्ड टॉपिक फिर बताएंगे, थर्ड पॉइंट अगर क्लियर होगा तो जल्दी से सारा अच्छे बता देना ताकि थर्ड पॉइंट बताएंगे फिर से। चलिए बाकी लोग भी रिप्लाई करिए थोड़ा चैट में, तो हम लोग उसके नीचे में एक इस तरीके से इंटर अंदर में फाउंडेशन करते हैं, ये जो फाउंडेशन है इसको हम लोग अंदर तक इस तरीके से डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते भी है इसके ऊपर बीच बीच में एक छोटा छोटा पिलर इस तरीके से मतलब पतला पतला पिलर दे दिया जाता है, और इस पिलर के थ्रू ऊपर में क्या होता है पूरा फाउंडेशन होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि ऊपर जो सरफेस वो जब बढ़ते जाता है हाइट, जिस तरीके से हाइट बढ़ती जाता है वैसे वैसे उसका जो वजन है वेट है वो बढ़ता जाता है, और उस वेट के कारण वो धसे ना सिंक ना करे, इसलिए हम लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए नीचे जो है डैम के ग्राउंड को हम लोग बहुत चौड़ा रखते हैं। ठीक है, बहुत वाइड बनाते हैं। ओके, यहाँ तक थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिएगा nails and pins have point यहाँ पर देखो less area of contact leading to high pressure, less area contact का क्या करता है high pressure को दिखाता है, मतलब area कम तो pressure क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर nails and pins मतलब काटी और वो जो pins होता है have pointed ends so that these can be fixed with minimum force। देखो जैसे काटी जो होता है उसका जो आगे का पोर्शन होता है उसको पॉइंटेड क्यों किया जाता है, ताकि इस पर हल्का सा भी फोर्स इधर से लगे तो ये इजीली क्या कर जाए पिन हो जाए। ठीक है,
विद मिनिमम फोर्स बिकॉज द प्रेशर ऑन द पॉइंटेड एंड्स वुड बी लार्ज, ताकि वो प्रेशर जो हो पॉइंटेड एंड पर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए. इट इज इजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ. अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि शार्प नाइफ से किसी भी चीज को काटना इजियर होता है एज कंपेयर टू किसके ब्लंट नाइफ के. एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ शार्प नाइफ इज स्मॉल, दस क्रिएटिंग विद द प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. इसलिए उसका एरिया को कम किया जाता है ताकि वहां पर प्रेशर का अमाउंट ज्यादा लग सके कम ही फोर्स से. ठीक है, तो वो इजीली क्या होता है, कट कर जाता है. क्लियर है क्या बताइए, अगर यहां तक क्लियर है. अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो सारे बच्चे एक बार थम दे देना और एक बार बता भी देना कि सेशन कैसा लगा. अब 10 क्लास के बच्चों का समय हो चुका है तो आज सेशन थोड़ा लेट हुआ हो गया, नहीं तो आगे बहुत सारे इलस्ट्रेशन लेकर के रखे हुए थे, लगभग 10 इलस्ट्रेशन था टोटल, लेकिन उसे करा नहीं पाए. कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में जरूर कराएंगे इसे. तो आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं और कोशिश आशा रखते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों का शेयर करिएगा ताकि ये जो आज जो लाइव बच्चों का संख्या है 6 वो जल्दी से जल्दी 6 से 12 हो जाए कल. बस इतना ही छोटा सा आशा रखते हैं. आई थिंक आप लोग करा दीजिएगा और जो भी बच्चे नहीं आए हैं वहां तक आप जरूर शेयर करें ताकि वो लोग इस सेशन को देख करके कल के सेशन में आए. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. Bye.